हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइस, आज तारीख हो चुकी है 26 सितंबर 2022 और हर रोज़ की तरह हमारे सामने आज भी आईपीएल 2023 को लेकर आईपीएल 2023 की सभी 10 की 10 टीमों के रिगार्डिंग, इसके साथ ही आने वाले टी20 वर्ल्ड कप को लेकर भी 8 काफ़ी बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आई हैं, जो कि अगर आप लोग क्रिकेट और आईपीएल के बड़े फैंस हैं तो फिर आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी चाहिए। लेकिन गाइस, इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए, जिससे हमारी वीडियोज़ के आप सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के दिन की सबसे पहली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। और ये अपडेट निकल कर आ रही है ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन की तरफ से, जहां पर कैमरन ग्रीन का परफॉर्मेंस आप लोगों ने भी सीरीज में देख ही लिया होगा। हमने आपको ये भी बताया था कि इससे पहले जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में सीरीज हुई थी, उसमें भी इनका परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा कमाल कर रहा था। और कल हुए मुकाबले में तो इन्होंने आते ही कुछ ऐसी बैटिंग कर दी, 21 गेंदों पर 52 रन बनाए, 7 चौके और 3 छक्के लगाए, करीब 250 के अराउंड का इनका स्ट्राइक रेट था। तो ऐसे में कैमरन ग्रीन की इस हिटिंग एबिलिटी की वजह से, इसके साथ ही ये गेंदबाजी भी करते हैं और काफ़ी तेज़ गेंदबाजी भी ये कर सकते हैं, तो ऐसे में इन्हीं सब रीजंस की वजह से इस बार आईपीएल की नीलामी में आप लोगों को काफ़ी सारी टीमें कैमरन ग्रीन के ऊपर बिडिंग करते हुए देखने को मिलने वाली हैं। इस सीरीज से पहले भी इनके बारे में स्पेकुलेशन की गई थी रविचंद्रन अश्विन के द्वारा, जहां पर अपने यूट्यूब चैनल पर उन्होंने कहा था कि अगर कैमरन ग्रीन आईपीएल की नीलामी में आते हैं तो उनके ऊपर काफ़ी बड़ी बिडिंग होने वाली है। और अब ऐसा लग रहा है कि ये सच में सही होने वाला है, क्योंकि ठीक आईपीएल के ऑक्शन के 2-3 महीने पहले उन्होंने ऐसी बल्लेबाजी करनी स्टार्ट कर दी है जिसके बाद इनको नीलामी में इग्नोर करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। कमेंट करके आप लोग बताइए, आप लोग कैमरन ग्रीन को कौन सी आईपीएल टीम में देखना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की दूसरी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आ रही है एमएसडी के उस सरप्राइज़ के रिगार्डिंग, जो कि हमने आपको कल की वीडियो में बताया था। और इसको काफ़ी ज़्यादा हाइप किया गया था एमएसडी के द्वारा, खुद उन्होंने इसकी पोस्ट डाली थी और ऐसा लगा था कि कोई बड़ा और इम्पॉर्टेंट डिसीजन हमें देखने को मिलेगा, लेकिन ये तो एक बस ब्रांड कोलेबोरेशन था, जहां पर ओरियो का एक नया जो बेसिकली बिस्किट है वो भारत में लॉन्च हुआ, तो इसी के रिगार्डिंग ये था। तो एक तरीके से कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी जितना इसको बताया गया। एमएसटी का सरप्राइज ये था कि अब जो ओरियो के बिस्किट्स हमें देखने को मिलेंगे, उस बिस्किट के ऊपर हमें एमएसटी की शेप देखने को मिलेगी, उनकी फोटोज होंगी, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की तीसरी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आ रही है मुंबई इंडियंस की तरफ से, जहां पर गाइस मुंबई इंडियंस की टीम को कुछ बड़े और इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने ही लेने पड़ेंगे इस बार आईपीएल की नीलामी से पहले, क्योंकि काफी सारी चीजें हमारे सामने निकल कर आ रही हैं, जो कि मुंबई इंडियंस की टीम को अपने बैलेंस पर्स को ध्यान में रखते हुए जल्दी ही डिसीजन लेना पड़ेगा। और ऐसा ही एक डिसीजन है कायरन पोलार्ड, जो कि एमआई के टीम के लिए पास्ट में प्रूवन मैच विनर रहे हैं, लेकिन अब इनके अगर आप लोग परफॉर्मेंस को देखो तो आईपीएल 2022 में 11 मैचेस इन्होंने खेले थे, उसमें 144 रन बनाए, एवरेज की अगर बात की जाए तो 14 की इनकी एवरेज रही, स्ट्राइक रेट 107 का था। और ऐसे में सीपीएल में भी इनका फ्लॉप शो हमें लगातार जारी देखने को मिल रहा है, जहां पर सीपीएल के 10 मुकाबलों में पोलार्ड ने सिर्फ 132 रन बनाए, एवरेज यहां पर भी इनकी करीब 14.5 की है और स्ट्राइक रेट तो 100 से भी नीचे है, वो भी टी20 क्रिकेट में, और ये फिनिशर की भूमिका निभाते हैं, तो उस पोजीशन पर इनका स्ट्राइक रेट 98 का हमें देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में अब तो उस बात को बिल्कुल ही आप लोग फाइनलाइज मान सकते हैं कि कायरन पोलार्ड मुंबई इंडियंस की टीम से आप लोगों को रिलीज होते हुए देखने को मिलेंगे, और पोलार्ड की जगह पर एमआई की टीम आप लोगों को किसी और प्लेयर को अपनी टीम में शामिल करते हुए नजर आएगी। वैसे भी इनके पास टिम डेविड अवेलेबल है, जो कि पोलार्ड की ऑलरेडी रिप्लेसमेंट बन चुके हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की चौथी बड़ी अपडेट के बारे में, और गाइस ये अपडेट निकल कर आ रही है आईपीएल 2023 के लिए जो हमें ऑक्शन देखने को मिलने वाला है, उसके लिए अब प्लेयर एंट्री आप लोगों को ऑलरेडी स्टार्ट होते हुए देखने को मिल चुकी है, जहां पर ये जो प्लेयर्स हैं जिनकी एंट्री ऑक्शन में आप लोगों को देखने को मिलने वाली है, इसके रिगार्डिंग, इसके साथ ही किस प्लेयर ने कितने बेस प्राइस में अपनी एंट्री करवाई है, कौन कौन से प्लेयर्स हमें आईपीएल की नीलामी में देखने को मिलने वाले हैं, इसके रिगार्डिंग अभी से कुछ देर के बाद हम आपको एक कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाकर देने वाले हैं, तो आप लोग उस वीडियो का जरूर इंतजार कीजिए। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के दिन की पांचवी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आ रही है टीम इंडिया के हैक्टिक शेड्यूल के रिगार्डिंग, जहां पर अभी हमने भारतीय टीम को कल ही मुकाबला खेलते हुए देखा था और उसके बाद भारतीय टीम सीधे बिना किसी ब्रेक के आप लोगों को तिरुवनंतपुरम के लिए अप्लाई करते हुए नजर आएगी। तिरुवनंतपुरम में भी 3 टी20 मुकाबलों की सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाना है और ऐसे में 28 तारीख को ये मुकाबला होना है, तो भारतीय टीम को एक ही दिन का रेस्ट मिलेगा और ऐसे में इसमें भी वो प्लेयर खेलने वाले हैं जो कि टी20 वर्ल्ड कप का पार्ट होंगे। इस सीरीज के बाद उनको ब्रेक दिया जाएगा करीब 2 हफ्ते का, उसके बाद वो अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसे में ये जो सीरीज होने वाली है, इसके रिगार्डिंग साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स भी हमें कल रात भारत पहुंचते हुए नजर आए, उसकी फोटोज हम यहां पर अटैच कर रहे हैं, जितनी भी पॉसिबल है आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। तो भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में 28 तारीख को हमें इस सीरीज का पहला मुकाबला देखने को मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की छठी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आ रही है पंजाब किंग्स की टीम की तरफ से, जहां पर पंजाब किंग्स की टीम के रिगार्डिंग काफी सारे लोगों का डाउट था कि पंजाब किंग्स की टीम कौन कौन से प्लेयर्स को ट्रेड
ट्रेड करने वाली है इस ट्रेड विंडो में। तो पंजाब किंग्स की साइड से हमने आपको बताया था कि एक प्लेयर है शाहरुख खान, जिनको इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्राइस में खरीदा था, उस टाइम पर वो अनकैप प्लेयर थे, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने उनको रिटेन किया था काफ़ी हाई प्राइस में। और ऐसे में शाहरुख खान को इस बार ये टीम अपनी टीम से ट्रेड करने वाली है, यानी कि शाहरुख खान को ये अपनी टीम से वैसे तो रिलीज़ करना चाहते हैं, लेकिन अगर ट्रेड में शाहरुख खान के बदले कोई अच्छा प्लेयर, कोई बेटर प्लेयर इनको मिल जाता है तो फिर ये वो भी करने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे में पंजाब किंग्स की टीम ने गुजरात टाइटन्स की टीम को ऑफर दिया था कि वो शाहरुख खान और कुछ पैसे के बदले में राहुल तिवाटिया को ट्रेड कर लें, लेकिन गुजरात टाइटन्स जो कि डिफेंडिंग चैंपियंस हैं और राहुल त्रिपाठी ने उनको डिफेंडिंग चैंपियन बनाने में बहुत ही बड़ा योगदान दिया था, ऐसे में उन्होंने राहुल तिवाटिया को पंजाब किंग्स की टीम में ट्रेड करने से साफ साफ मना कर दिया। तो इस तरीके से पंजाब किंग्स ने ये ट्रेड करने की ट्राई की थी, लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं हो पाया। और ऐसे में आने वाले टाइम में आप लोगों को शाहरुख खान किसी प्लेयर के बदले पंजाब किंग्स की टीम की साइड से ट्रेड होते हुए देखने को मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की सातवीं बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आ रही है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की तरफ से, जहां पर ESPN क्विक इन्फो के हवाले से रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि भले ही महेंद्र सिंह धोनी ने यह कहा है कि IPL 2023 में वो खेलने वाले हैं, लेकिन CSK के मैनेजमेंट को अब ये बता दिया गया है कि IPL 2023 MST के IPL करियर का आखिरी सीजन होने वाला है। और ऐसे में चेन्नई के चिपॉक स्टेडियम में MST अपना आखिरी मुकाबला खेलते हुए हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो ऐसे में MST की जगह पर अब जो कैप्टन की प्रिपरेशन है वो CSK की टीम इसी IPL की नीलामी से स्टार्ट कर देगी, यानी कि इस बार की IPL का जो ऑक्शन होने वाला है उसमें चेन्नई सुपर किंग्स की टीम एक ऐसे प्लेयर को अपनी टीम में शामिल करेगी जिसको अपने फ्यूचर कैप्टन के तौर पर देख रहे हैं। अगर रविंद्र जडेजा के साथ इनकी बात बन जाती है तो फिर हो सकता है कि जडेजा CSK की टीम में ही रुक जाए और वही इनके कैप्टन बने, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है और CSK की टीम रविंद्र जडेजा को नहीं मना पाती है तो फिर उस केस में CSK की टीम जब नीलामी में जाएगी तो अपनी टीम को आगे फ्यूचर के हिसाब से बिल्ड करने के साथ ही ये टीम अपने नए कैप्टन के बारे में भी सोचेगी और अपने नए कैप्टन को टीम में शामिल करने के बारे में भी ऑक्शन टेबल के ऊपर इनका प्लानिंग रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की आठवीं और आखिरी अपडेट के बारे में, और ये निकल कर आ रही है जो हमने आपको बताया था कि BCCI की AGM की मीटिंग, जिसको GC की मीटिंग, गवर्निंग काउंसिल, कुछ भी आप बोल सकते हैं, उस मीटिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाने वाले हैं भारत की टीम और इसके साथ ही भारत क्रिकेट टीम के फ्यूचर के रिगार्डिंग, क्योंकि इसमें सारी की सारी अपॉइंटमेंट्स होनी है जो कि BCCI में हमें देखने को मिलती हैं। और अब बता दिया गया है कि इसमें हमें जो चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं, जिन चीज़ों के लिए हमें इलेक्शन होते हुए देखने को मिलने वाला है, वो 18 अक्टूबर को कंडक्ट करवाया जाएगा। और 18 अक्टूबर को जो पोस्ट इसमें रखी गई हैं उसमें सबसे पहले BCCI के प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन होना है, इसके बाद BCCI के सेक्रेटरी जो कि करेंटली जैसा हैं उनकी पोस्ट के लिए भी इलेक्शन होगा, इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट, इसके साथ ही जॉइंट सेक्रेटरी और उसके साथ ही ट्रेजरर, इन सभी पोस्ट को ऑन द लाइन रखा गया है, यानी कि इन सभी पर इलेक्शन होने वाला है। और इसके बाद हम लोगों को पता चल जाएगा कि BCCI का नया प्रेसिडेंट कौन होगा, नया सेक्रेटरी कौन होगा, और उसके साथ ही BCCI फिर हमें एक नई डायरेक्शन में मूव करते हुए नजर आएगी। तो गाइस ये वीडियो यहीं तक थी, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके हमारे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।